उदयपुर की बड़ी ग्राम पंचायत में इन दिनों पैंथर का आतंक पसरा हुआ है। आपको बता दें कि बड़ी ग्राम पंचायत में पिछले एक महीने से एक पैंथर को देखा जा रहा है, जिसने वहीं के रहने वाले एक पशुपालक के बाड़े में घुसकर पहले भी एक बछड़े का शिकार किया था। और इसी पैंथर ने मंगलवार रात को भी इसी पशुपालक के बाड़े में घुसकर एक और बछड़े का शिकार किया। पंचायत समिति सदस्य संजू सुथार का कहना है कि इस मामले को लेकर पूर्व में भी ग्रामीणों द्वारा कई बार प्रशासनिक अधिकारियों को अवगत कराया है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई उनके द्वारा नहीं की गई, ना ही कोई पिंजरा इस इलाके में लगाया गया है। उनकी मांग है कि प्रशासन को इस मामले को गंभीरता से लेना चाहिए और इस इलाके में पैंथर को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाया जाना चाहिए, ताकि वो पकड़ा जा सके और उसको पकड़ के किसी सुरक्षित इलाके में छोड़ा जा सके, ताकि इस इलाके के रहने वाले लोगों को खौफ का माहौल जिसमें वो रह रहे हैं उससे मुक्ति मिले। आपको बता दें कि उदयपुर से सटी बड़ी ग्राम पंचायत में इन दिनों एक पैंथर को देखा जा रहा है। जैसा आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि पैंथर बेखौफ होकर इस इलाके में घूम रहा है, और उसने पहले भी एक पशुपालक के बाड़े में घुसकर बछड़े का शिकार किया, और ऐसा बताया जा रहा है कि मंगलवार को भी इसी पैंथर ने एक और बछड़े का शिकार किया, जिसके बाद से इलाके के लोग खौफजदा हैं। और बताया जा रहा है कि इतना खौफ का माहौल बन गया है कि अब रात के समय कोई भी ग्रामीण अपने घरों से बाहर निकलने से भी डर रहे हैं, और घर से बाहर निकलना भी उन्होंने बंद कर दिया है। आपको बता दें कि इसी इलाके के रहने वाले एक पशुपालक के बछड़े का भी शिकार इसी पैंथर ने पूर्व में किया है, और अब इसको लेकर ग्रामीण चाहते हैं कि इसके ऊपर कार्रवाई की जाए और संबंधित विभाग द्वारा पिंजरा लगाकर इसको पकड़ा जाए, ताकि यहाँ के रहने वाले लोग जो है सुरक्षित महसूस कर सकें। और उनका कहना है कि पूर्व में भी कई बार प्रशासनिक अधिकारियों को इस बारे में अवगत कराया गया है, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। गाँव बड़ी में आज एक महीने से पैंथर का आतंक बहुत ही छा गया है। आज केसू जी सुथार के घर से घर के अंदर जो पशु बनते हैं उनमें से एक बछड़े को लेकर चला गया। इनके पहले भी एक बछड़ा लेके गए हैं। बार बार इस गांव बड़ी में इस पैंथर का बहुत ही आतंक हो गया है। रात को 7 बजे के बाद लोग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। करीब एक महीने से मैं प्रशासन को अवगत करा रही हूँ, गांव के लोग भी अवगत करा रहे हैं, लेकिन एक पिंजरा लगाया गया, उसको 12 दिन तक पड़ा रहने दिया, वापस आके भी नहीं देखा कि क्या हो रहा है। उसके अंदर कुछ उसके खाने के लिए भी नहीं रखा, तो वो पिंजरा खाली रखने से क्या मतलब है। 12 फीट की ऊंची दीवार को लांग कर अगर वो घर में घुसकर एक बछड़े को ले जा सकता है, तो गांव में एक इंसान सड़क पर चलता हुआ क्या सुरक्षित है? घर में भी हम लोग सुरक्षित नहीं है। प्रशासन से विनम्र अपील है कि इस समस्या से हमको जल्दी से जल्दी निजात दिलाई जाए। संजू सुधार, पंचायत समिति सदस्य, बड़ी।